दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बौखला गए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। सुपर 8 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल का हार का बदला चुकता कर लिया है। भारत से मिली इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद बेहद गुस्से में दिखे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। रिकी पोंटिंग से लेकर सेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ से लेकर एडम गिलक्रिस्ट जैसे महान खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की हार पर जो बड़ा बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या बोला है ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराकर हमारा दिल तोड़ दिया था, सपना चकनाचूर कर दिया था। अब टीम इंडिया ने कमबैक करते हुए जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, पूरा वर्ल्ड भारतीय टीम को सलाम कर रहा है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 92 रन ठोके हैं मात्र 41 गेंदों में। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की दमदार पारी के दम पर 205 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया एक समय अच्छा खेल रही थी, ऐसा लग रहा था मुकाबला भी जीत जाएगी, लेकिन कुलदीप यादव से लेकर अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह से लेकर अर्शदीप सिंह, सभी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फाइनली रोहित शर्मा का सपना पूरा हुआ और ऑस्ट्रेलिया से हमने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। वर्ल्ड कप में दिल तोड़ देने वाली मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया लगभग T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी हैं, वो बुरी तरीके से गुस्से में दिखाई दिए। आपको बता दें, बेहद गुस्से में बयान देते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा, वर्ल्ड कप में ये बेहद ही शर्मनाक प्रदर्शन है हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम का। पहले हम अफगानिस्तान से हारे और अब भारत के खिलाफ। हमारे खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घमंड के अंदर खेल रहे थे। अगर घमंड में खेलोगे तो ऐसे ही हारोगे। ये बेहद ही शर्मनाक था। भारत के खिलाफ हमने लड़ाई भी नहीं लड़ी, अंत में तो हमने घुटने टेक दिए। पर भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। रोहित शर्मा की कप्तानी का मैं दीवाना हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी पारी भी खेली। दोस्तों, रिकी पोंटिंग के बाद सेन वॉटसन ने भी बड़ा बयान दिया है। सेन वॉटसन ने कहा, भारतीय टीम को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, पर अपनी टीम के हार के बाद मैं बेहद निराश हूं, क्योंकि हमारे बाकी के बल्लेबाजों ने बेहद ही खराब परफॉर्मेंस दी है। ऐसा लग रहा था कि हमारे खिलाड़ी इस मुकाबले को सीरियसली लिए ही नहीं, उन्हें लग रहा था कि वो भारत को आसानी से हरा देंगे। अब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना होता है। पहले हमें अफगानिस्तान ने हरा दिया और अब भारत ने, अब नहीं लगता कि हमारी टीम यहाँ से आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों, सेन वॉटसन के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने भी बड़ा बयान दिया। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, हमारी टीम ने WTC जीता, हमारी टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता, हमारी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। अगर आप इतने सारे ट्रॉफी जीत लेते हो तो जाहिर सी बात है आपके अंदर थोड़ा घमंड आ ही जाता है। और जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान ने उसके बाद भारत ने हमें धोया है, अब हमारा घमंड चकनाचूर हो गया होगा। हमारे खिलाड़ियों को ये समझ में आ गया होगा कि सामने वाली टीम की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी इज्जत करनी होगी। भारत के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों ने बेहद ही शर्मनाक तरीके से खेला है, लेकिन रोहित शर्मा के कप्तानी की तारीफ करनी होगी, उनके गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। कम से कम रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से हमारे खिलाड़ी सीख लेते कि कैसे बल्लेबाजी करनी होती है। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट के बाद स्टीवन स्मिथ ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि रोहित शर्मा से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, पर हमारे खिलाड़ी शायद इस बात को नजरअंदाज कर गए। खैर, भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, उन्होंने लड़कर जीता है। वेल डन टीम इंडिया। अब मुझे नहीं लगता कि भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का T20 वर्ल्ड कप हमारा होगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।